ट्रिपल आर की धमाकेदार कमाई से क्यों हुई सलमान खान को जलन। जी हां, इस समय ये मुद्दा काफी जोरों शोरों से उठाया जा रहा है, क्योंकि भाईजान सलमान खान ने ट्रिपल आर की कमाई को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिस बयान की चर्चाएं इन दिनों काफी ज्यादा जोरों शोरों से की जा रही है। मालूम हो तो बताना चाहेंगे कि ट्रिपल आर को अभी हाल ही में वीकेंड के मौके पर रिलीज किया गया। SS राजामौली की ये बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक थी, जिस फिल्म का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। बाहुबली सीरीज करने के बाद SS राजामौली की ये पहली फिल्म है। ऐसे में इस फिल्म को देखने के लिए फैंस की उत्सुकता भी काफी ज्यादा बढ़ी हुई थी। ऐसे में जब इस फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया तो इस फिल्म ने अपने सफलता के झंडे गाड़े। ये फिल्म कई मायनों में खास रही और एक क्लासिक फिल्म होने के नाते इस फिल्म की दीवानगी सिर्फ साउथ सिनेमा में नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा के दर्शकों के बीच में भी देखने को मिली। और यही बड़ी वजह है कि भाईजान सलमान खान को अब ट्रिपल आर की कमाई और उस फिल्म के सक्सेस से काफी ज्यादा जलन हो रही है। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि साउथ की कई सारी ऐसी फिल्में रही हैं जिन फिल्मों की खुमारी हिंदी सिनेमा में देखने को मिली, चाहे KGF चैप्टर 1 ले लीजिए या फिर पुष्पा या फिर बाहुबली सीरीज। इन सभी फिल्मों ने साउथ सिनेमा में तहलका तो मचा ही, साथ ही हिंदी दर्शकों को भी अपनी ओर आकर्षित किया। वही हिंदी फिल्में जब साउथ वर्ल्ड में रिलीज होती हैं तो उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं हो पाती है, और ये सब कहना है बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान का। दरअसल हुआ यूं कि सलमान खान ने अभी हाल ही में IIFF द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में साउथ और हिंदी फिल्मों के परफॉर्मेंस को लेकर अपनी बातचीत रखी है। बताना चाहेंगे कि सलमान खान साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी की फिल्म गॉडफादर में एक अहम रोल निभा रहे हैं। सलमान खान का कहना है कि मैं चिरू को लंबे समय से जानता हूं और वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। उनका बेटा रामचरण भी मेरा दोस्त है। उन्होंने हाल ही में ट्रिपल आर में जबरदस्त काम किया है। मैंने उनके बर्थडे पर उन्हें इस कामयाबी की बधाई भी दी है। अच्छा लगता है जब साउथ के कलाकार बढ़िया काम करते हैं, लेकिन मैं हैरान हूं कि हमारी फिल्में साउथ में उतना अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर रही हैं, जबकि उनकी फिल्में यहां करोड़ों रुपए कमाती हैं। अब सलमान खान यही नहीं रुके। सलमान ने कहा कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री ने हमेशा वीरता का भरोसा किया है। साउथ और बॉलीवुड दोनों ही इंडस्ट्री कभी वीरता पर विश्वास करती थी। जब आप थिएटर से बाहर आते हैं तो आपके पास एक हीरो होता है, लेकिन बॉलीवुड में कुछ गिनी चुनी फिल्में ही वीरता पर बन रही हैं। हमें एक बार फिर वीरता वाली फिल्में बनाने की शुरुआत करनी होगी। साउथ फिल्मों पर अपनी बात रखते हुए सलमान खान यहीं नहीं रुके और उन्होंने आगे कहा कि उन्हें साउथ फिल्में देखने में बहुत ज़्यादा मजा आता है, लेकिन अब तक उन्हें एक भी साउथ फिल्में ऑफर नहीं हुई हैं। सलमान ने कहा कि जब मेकर्स मेरे पास आते हैं तो तमिल या तेलुगु फिल्मों के लिए नहीं बल्कि हिंदी फिल्मों के लिए आते हैं। तो दोस्तों, इस तरह आप भी समझ सकते हैं कि ट्रिपल आर की धमाकेदार कमाई को देखने के बाद सलमान खान को भी अब जलन हो रही है। सलमान खान का कहना है कि साउथ की फिल्मों की खुमारी सिर्फ साउथ इंडस्ट्री में नहीं बल्कि हिंदी भाषी दर्शकों में भी देखने को मिलती है, लेकिन हिंदी फिल्में साउथ में नहीं चल पाती हैं। खैर, इसी के साथ ही अगर सलमान खान के वर्क फ्रंट की तरफ से डालें तो आने वाले समय में भाईजान सलमान खान कई सारी फिल्मों से जुड़े हुए हैं। कभी कभी दिवाली, किक 2, टाइगर 3, ये वो फिल्में हैं जिन फिल्मों को लेकर सलमान खान इन दिनों काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं। इसके साथ ही साउथ की एक बड़ी फिल्म का सलमान खान हिस्सा भी हैं, जिस फिल्म के लीड हीरो चिरंजीवी हैं। चिरंजीवी की एक्शन मूवी गॉडफादर की शूटिंग इन दिनों सलमान खान कर रहे हैं।